परिवारों में परिवार शर्मा परिवार। तो उसी शर्मा परिवार की कहानी को दिखाने वाला एक बहुत ही सुपरहिट शो दी आम आदमी फैमिली का सीजन 4 इज फाइनली हियर गाइस। यू नो दी आम आदमी फैमिली वाज ऑफिशियली द फर्स्ट फैमिली ड्रामा सीरीज ऑफ इंडिया, जिसने रिलीज होते ही हम सबको दिखा दिया था कि जो फैमिली स्टोरीज हम अभी तक टीवी सीरियल्स टीवी शोज में देखते आए हैं वो कितनी ज्यादा गलत थी और कितनी ज्यादा ओवर हाइप थी। 3 सक्सेसफुल सीजन और एक लंबे 4 साल के गैप के बाद आ गया है सीजन 4 भी, लेकिन क्या अभी भी वो फ्लेवर ये शो रिटेन कर पाया है? क्या अभी भी ये कहानी हमें उतनी ही ज्यादा रिलेटेबल लगती है? चलो लेट्स फाइंड आउट इन टुडेज रिव्यू। तो मैं मान रही हूँ अगर आप लोग ये रिव्यू देख रहे हो या देखने में इंटरेस्टेड हो तो आपने 3 सीजन ऑलरेडी देख लिए होंगे, और अगर आपने देख लिए हैं तो आपको याद होगा और पता ही होगा कि सीजन के एंड में, जो लास्ट सीजन आया था उसके एंड में, अल्टीमेट बच्चों ऑफ शर्मा फैमिली यानी कि उनकी दादी की डेथ हो जाती है। बस सीजन 4 उसी के आगे से शुरू किया जाता है जहाँ पर दादी की 13वीं की तैयारियां चल रही है। तो कैसे दादी की डेथ के बाद घर बेचने का टॉपिक उठता है, क्यों मिस्टर शर्मा की अचानक से तबीयत खराब होने लगती है, जो एक परिवार में रेगुलर डेज में इश्यूज होते हैं वो किस तरह से दिखाए गए हैं इस सीजन में, ये सब कुछ आप देखना। मिसेस शर्मा इस उम्र में कैसे अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने में लगी है, सोनू की शादी पहले ही हो चुकी थी सीजन में, और अब उसकी मैरिड लाइफ में किस तरह के इश्यूज आते हैं और क्या वो उनसे बाहर निकलती है। वही अगर बात करूँ बॉबी यानी कि सोनू के भाई की, तो बॉबी अपने परिवार से क्या और कितना ज्यादा छुपा रहा है, इन सब के जवाब आपको इस सीजन को देखने के टाइम मिलेंगे। तो इस बार भी कई इंपॉर्टेंट मुद्दों पर इस बार फोकस किया गया है, जैसे कि मेंटल हेल्थ का। मेंटल हेल्थ बड़ी एज के लोगों को समझ नहीं आती है, उसकी इंपॉर्टेंस लोगों को किस तरह से समझ नहीं आती है, और लोग अक्सर सोचते हैं कि हम पागल तो नहीं हो गए कि हम डॉक्टर के पास जाए। तो टोटल इस बार 8 एपिसोड्स हैं जहां पर इन इश्यूज को एड्रेस किया गया है। इस बार भी पहले के सीजन्स की तरह एपिसोड्स की लेंथ आधे घंटे के करीब रखी गई है, लेकिन 8 एपिसोड्स टोटल रखे गए हैं। कास्ट वही है, ब्रिजेंद्र काला, लुबना सलीम, चंदन आनंद, और हाँ इस बार सोनू का कैरेक्टर सादिका नाम की एक्ट्रेस ने प्ले किया है और उन्होंने भी बढ़िया काम किया है। दादी की कमी आपको पूरे शो में बार बार फील होती रहेगी, उनका माहौल लाइट कर देना और उनका अपने बेटे से बीच बीच में छोटी छोटी बात पर पंगे लेना, ये सब कुछ आप बहुत मिस करने वाले हो। सीजन 4 बाकी पिछले 3 सीजन्स की तरह बहुत ज्यादा फनी तो नहीं है, लेकिन हाँ कई सीन्स में कुछ बैंटर्स होते हैं जिन्हें देखकर आपको वो फ्लेवर याद आ जाता है, क्योंकि वो रिटेन किया गया है। इस बार इमोशनल साइड पर ये वाला सीजन ज्यादा है, लेकिन रिलेटेबल तब भी है। ब्रिजेंद्र काला जी हैज किल्ड इट अगेन इन दिस सीजन। वही सुपर मॉम बनी है हमारी लुबना सलीम, जिस तरह से स्पेशली इन दोनों के कैरेक्टर्स को लिखा गया है और जिस तरह से इनकी डेवलपमेंट दिखाई गई है 4 सीजन में, वो सच में काबिल-ए-तारीफ है। मिस्टर शर्मा और उनके बेटे बॉबी के बीच जो नोकझोंक होती है, जो हमें पहले भी बहुत बढ़िया लगती थी, वो आज भी रेलेवेंट लगती है, उसे देखने में बहुत मजा आता है। बिंद्रा जी ने हर बार की तरह इस बार भी कमाल का काम किया है। 8 एपिसोड्स हैं, अच्छा सीजन है, बट आई स्टिल फील कि इसे 6 एपिसोड्स में खत्म किया जा सकता था, थोड़ा सा ड्रैग आपको लगने लग जाता है। डायरेक्शन की बात करूं तो हिमाली शाह ने इसे डायरेक्ट किया है और उनके साथ इस बार को डायरेक्टर रहे हैं जॉर्जी जॉन, और दोनों ने मिलकर बढ़िया काम किया है। क्यों? क्योंकि इस बार भी शो रनर जो है वो है अपूर्व सिंह कार्की, जिन्होंने पहले के दी आम आदमी फैमिली के सीजन को डायरेक्ट किया था। तो डायरेक्शन इज जेन्युइनली गुड, सिनेमेटोग्राफी इस बार बहुत बढ़िया है, डायलॉग्स आर गुड टू। शो की लेंथ मुझे कहीं ना कहीं मेजर प्रॉब्लम लगी, इसके अलावा और कोई बहुत बड़ा फ्लॉ दिखाई नहीं दिया। इट्स स्टिल वन ऑफ दोज शोज यू नो जिसे आप काफी ज्यादा रिलेट कर देते हो, और हर एपिसोड के एंड में आपके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल भी आ जाती है। बाकी ये सीजन आ गया है इस बार Z5 पर, देखना जरूर और कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताना कि आपको ये सीजन कैसा लगा, या पहले वाले सीजन वाला फ्लेवर ये रिटेन कर पाया आपके हिसाब से या फिर नहीं। इसी के साथ गाइस मैं दे रही हूँ दी आम आदमी फैमिली सीजन 4 को 3.5/5 स्टार्स। मुझे बहुत मजा आया, आप देखना और मुझे बताना कि आपको कैसा लगा, और इसी तरह से बाकी के और वेब सीरीज और फिल्म रिव्यूज के लिए यूं ही देखते रहिए ENT Live।